एमएसपी डब्ल्यूटीओ किसानों पर दर्ज मुकदमे व ऋण माफी सहित अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में किसान संगठनों के समर्थन व सितारगंज के सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। किसान ट्रैक्टरों पर झंडे लगा के सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर सवार हो बिष्टी चौराहे से महाराणा प्रताप चौक होते हुए ट्रैक्टरों का काफिला अमरिया चौराहा होते हुए NH 74 किचड़ा रोड पर पहुंचा। इस दौरान किसान शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्व किसानों द्वारा अपनी मांगों के लिए 13 महीने चले धरने के बाद उनकी मांगों को मानने का वायदा किया गया था, लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। और अब जब 13 फरवरी को किसान दोबारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जाने के लिए चले तो उन्हें हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा बॉर्डर पर रोक दिया गया और उनके साथ अन्याय किया। जो पंजाब के किसानों का सदर किया गया है उसके विरोध में सभी किसानों में ऑल इंडिया में ही विरोध प्रदर्शन है। हरिद्वार से लेकर ग्रेटर नोएडा तक, गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है। राष्ट्रीय चैनल आज दिखाना शुरू करा है, मीडिया ने भी आज दिखाना शुरू करा है। इसी पक्ष में सितारगंज में हजारों ट्रैक्टर लेके किसानों ने प्रदर्शन किया है, किसानों के पंजाब के किसानों के हरियाणा के किसानों के समर्थन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।